आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका कंप्यूटर स्लो काम करता है, बहुत धीमे चलता है, तो अब आपका कंप्यूटर हो जाएगा सुपर फास्ट और आपको कंप्यूटर जो है वो 10 गुना फास्टिंग में काम करेगा। तो वो कैसे करेगा, कैसे आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर जो है स्लो चलता है तो वो किस तरीके से 10 गुना फास्ट चलेगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो काम करता है, स्लो चलता है, तो आप अपने कंप्यूटर किस तरीके से 10 गुना फास्ट तक उसको आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं और आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा और रुकेगा भी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अगर आपका कंप्यूटर जो स्लो चलता है वो किस तरीके से 10 गुना फास्ट तक चलेगा। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बस आपको कुछ बेसिक सेटिंग कर लेना है अपने कंप्यूटर में, जिससे आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर जो है 10 गुना स्पीड से चलेगा। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे सर्च करेंगे रन, तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली रन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें हम कमांड टाइप करेंगे क्लीन MGR, इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम सी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होकर आ चुका है। तो हमारे सिस्टम में जो भी टेम्पररी फाइल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम सिंपली यहाँ से टिक कर लेंगे। जो सेलेक्ट नहीं है उसको आप सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब फाइल जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ सब फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिलीट टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे हो रहा है, जो आपका भरा हुआ था सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ फिर से सर्च कर देना है रन करके यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद दूसरी कमांड टाइप करेंगे प्रीफेच PREFECH, इसका सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। सिंपली यहाँ पर हमको कंटिन्यू कर देना है तो आपको सामने बहुत सारी ऐसी फाइल आ जाएंगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जितने भी फाइल है आपके कंप्यूटर को स्लो बना रही है, इसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल प्लस ए करके सबको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली इसको यहाँ से हमको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट वाले को जाकर यहाँ डिलीट कर देना है। देखिए ऑलरेडी ये सब डिलीट हो रहा है। इसके बाद हमको फिर से यहाँ पर रन कर देना है। रन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे थर्ड कमांड। तो यहाँ हमको टाइपिंग करना है %, यहाँ टेम्प %% करके सिंपली हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्प परसेंटेज करके कुछ हम किए तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पररी फोल्डर और टेम्पररी फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप सबको कंट्रोल प्लस ए से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर से हमको यहाँ पर सर्च कर लेना है रन करके सिंपली यहाँ पर ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करेंगे TREE पर सर्च करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर ओके कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से टेम्पररी फाइल आके ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो पूरा क्लीन हो चुका है। अब आपका जो है कंप्यूटर बहुत ही क्लीन हो चुका है। अब कोई भी चीज़ ओपन करके देखिए बहुत ही फास्ट ये ओपन होगा। देखिए कितना फास्ट में ओपन हो रहा है, पहले इस तरह से ओपन नहीं हो रहा था। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी जो फाइल खोल रहा हूँ बहुत फास्ट में खुल रहा है, पहले इस तरीके से नहीं ओपन हो रहा था। तो अब बहुत ही आसानी और बहुत ही फास्ट तरीके से ये ओपन हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो पहले कुछ इस तरीके से मेरा कोई फाइल ओपन एक बार में नहीं हो रहा था। मैं आप कोई भी जो फाइल वगैरह है इसको बहुत ही आसानी से आप ओपन करके देख सकते हो। जैसे मैं कोई भी फाइल ओपन कर रहा हूँ तो देख रहे हो बहुत आसानी से ओपन हो जाता है।
सो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट 10 गुना फास्ट कर सकते हैं, और जितनी टेम्पररी या जो भी कचरा फचरा था आपका जो सिस्टम में या लैपटॉप में वो सारे डिलीट हो चुका है। बहुत ही आसानी और इस मेथड से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को आप फास्ट बना सकते हैं 10 गुना तक।